हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉट कॉम स्कूल फॉर ऑनलाइन डिज़ाइन। माय नेम इज मिथुन एंड इन दिस वीडियो वी आर इंट्रोड्यूस अबाउट एडिट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो टूल्स है हम लोग का, अनडू। इस टूल से हम लोग अगर पेज में आके कोई भी डिज़ाइन करते हैं, अगर हम लोगों से कोई अगर गलती हो जाए तो हम लोग अंडू करके उसको करेक्शन कर। सपोज ये जो पॉइंट है ये हम ऐसे मूव किए या ऐसे किए और सपोज ऐसे खराब हो गया मेरा सीन, हम जस्ट यहाँ से अंडू करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो अंडू से हम लोग कुछ जब एडिट करेंगे या कुछ भी करेंगे, करेंट पेज में कुछ डिज़ाइन रहेगा या कुछ भी चीज़ रहेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो हम लोग अंडू से उसको चेंज कर सकते हैं, पहले जैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडू। रीडू से हम लोग अंडू का ऑपोजिट है रीडू। अंडू से हम लोग पहले मोड में जा सकते हैं, रीडू में हम लोग नेक्स्ट मोड में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है कट। कट टूल से हम लोग यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कट टूल से नेक्स्ट न्यू पेज में हम लोग जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पेस्ट टूल्स है, हम लोग कोई भी चीज को हम लोग यहाँ से कट करेंगे, अगर हम लोग को अगर जरूरत हुआ तो डिजाइन से कोई भी पोर्शन या कुछ भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कट करके दूसरे पेज में जाके पेस्ट टूल्स के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी टूल्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रैंडमली कॉपी कर सकते। डिलीट से सिलेक्ट, डिलीट प्रेस करने से वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो टूल्स है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से हम लोग पर्टिकुलरली कार्व को, पॉलीलाइन को, सरफेस को, कलर लेयर को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करके लॉक अनलॉक कर सकते। तो ये है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स ऑन ऑफ जो हम लोग का जो ये दो पहला टूल्स है, कंट्रोल पॉइंट से हम लोग कर्व लाइन को एडिट कर सकते हैं। ये जो कर्व लाइन जो है, कोई भी कर्व लाइन या कुछ भी हो उसको हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं, ये कंट्रोल पॉइंट ऑन ऑफ, कंट्रोल पॉइंट ऑन ऑफ से हम लोग उसको एडिट कर सकते। विजिबिलिटी इस टूल्स के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स के पेज में कोई भी चीज़ को हम लोग उसका विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते, I mean, इसको हाइड अन हाइड कर सकते। इससे हम लोग हाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट करके शो कर सकते। जब हम लोग पेज में जब डिज़ाइन करेंगे बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट को एडिट करने में जब दिक्कत आएगा, तब हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को नहीं लगेगा करेंट पेज में उसको हम लोग सिलेक्ट करके उसका विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे, मतलब वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। ग्रुप। ग्रुप ऑप्शन से हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, ताकि जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट का जब जब माउंटिंग जब क्रिएट होगा तब हम लोगों को ग्रुप ऑप्शन लेना होगा, ताकि सब चीज़ एक साथ में सिलेक्ट एक साथ में हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे चार पांच जो सर्कल हमने बना लिए, सब अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जस्ट हम इसको सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा। इसको अगर मूव करना है तो सब एक साथ में मूव हो जाएगा। और उसका ऑपोजिट है अनग्रुप, इसका ऑपोजिट है अनग्रुप। तो ये अनग्रुप में क्लिक करने से वो। नेक्स्ट है जॉइंट। जब हम लोग 3-4 कर्व लाइन एक साथ में बनाएंगे अलग अलग, वो अलग अलग कर्व लाइन को एक साथ में जॉइंट करने के लिए हम लोग ये जॉइंट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए ये अलग एक टूल लाइन है, ये अलग एक लाइन से, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जॉइंट में क्लिक करेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। जब हम लोग कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम लोग को पहले कर्व लाइन का ड्रॉ करना होगा, और कर्व लाइन जब ड्रॉ हो जाएगा तब उसको, जब तक हम लोग ज्वाइंट नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं होगा। देन इसके लिए हम लोग का ज्वाइंट होना बहुत जरूरी, इसलिए हम लोग ज्वाइंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइंट का ऑपोजिट है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड टूल से ये कर्व लाइन एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब ये पहले जैसा ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम से हम लोग किसी भी कर्व लाइन को या किसी पॉली सर्फेस को या सर्फेस को हम लोग काट कर सकते। हम चाहेंगे ये सर्किल अलग अलग यहाँ से ट्रिम होके अलग हो जाए, हम जस्ट एक लाइन बना लिए जिस पोजीशन से हमको ट्रिम करना है, ट्रिम ऑप्शन में जाके सिलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट एंटर, एंड जिस ऑब्जेक्ट को हमको काटना है
या ट्रिम करना है उसको क्लिक करेंगे। जहां पे हमको ट्रिम करना है वहां पे जाके एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो जगह ट्रिम हो जाए। नेक्स्ट है स्प्लिट। ट्रिम और स्प्लिट काइंड ऑफ एक ही टाइप का टूल्स है, लेकिन स्प्लिट में क्या होगा, स्प्लिट में क्या होगा, अगर हम इसके मिडिल से एक लाइन ड्रॉ कर देते इस सर्कल के मिडिल से, अगर ट्रिम करते हैं तो ये कट होके चला जाएगा, लेकिन स्प्लिट करेंगे तो ये कट होके यहाँ भी रह जाएगा। तो ये है ट्रिम और स्प्लिट में डिफरेंस। हम एक बार स्प्लिट करके दिखाते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, हमको इसको इस सर्कल को स्प्लिट करना है, सिलेक्ट एंटर, और ये कटिंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट एंटर। देखिए तो ये स्प्लिट होके अलग हो गया और ट्रिम होने से वो कट होके चला जाता है। नेक्स्ट है रिबिल्ड। रिबिल्ड से हम लोग कर्व लाइन में पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। ऐसे करके रिबिल्ड से हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते। तो ये रहा मोस्टली जो हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं एडिट टूल से। आगे जाके हम लोग इस टूल्स का इस्तेमाल और डीपली करेंगे जब डिजाइन करेंगे मैट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।